यार ये इतना जबरदस्त वर्क करता है ना, आप यकीन माने फर्स्ट स्वाइप में ही आपका जो तमाम मेकअप भी रिमूव कर देगा और साथ साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मेकअप करना किसे नहीं पसंद, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन जब बारी आती है मेकअप रिमूव करने की तो हमारे जहन में आता है कि यार मार्केट से बहुत महंगे महंगे किस्म के जो है ब्रांड के, डिफरेंट ब्रांड्स के जो है वो रिमूवर परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन यार परेशान क्यों होते हैं, आपकी बहन है ना, आज आपके साथ एक ऐसा होम मेड रिमूवर शेयर करूंगी कि यार जिसके रिजल्ट आप आला से आला ब्रांड का भी अगर रिमूवर ले लेना तो उससे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं। मींस के इजीली आपकी जो है फाउंडेशन हो, आपका कंसीलर, कोई किस्म का भी मेकअप आपने पुट ऑन किया हुआ है, वो इजीली इसको रिमूव करेगा, वन स्वाइप में ही रिमूव कर देगा। आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ आपने बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना और देखना कि कितने सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ मैंने ये रिमूवर तैयार किया है। लेकिन यार वर्क ये इतना आला करता है, इतना आला करता है कि बस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस मेकअप रिमूवर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होगी वो होगी ग्लास बॉटल। आपने कोई सा भी ग्लास कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे मिनरल वाटर। मीन्स कि आप घर में जो भी पानी यूज करते हैं कोशिश करें कि मिनरल ही हो, वो यूज करेंगे। यहाँ पर हम 4 से 5 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे। और जो सेकंड इंग्रीडियंट्स में ऐड करेंगे वो बहुत ही सिंपल सा है, मोस्टली हर घर में मौजूद होता है, वो है जी रोज वाटर। यहाँ पर 2 से 3 जो है टेबल स्पून आप रोज वाटर के ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड इंग्रीडियंट जिसमें ऐड करेंगे वो होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा करती है। अगर आपकी स्किन पर कोई से भी हार्मफुल रिएक्शन हुए होते हैं तो उनको भी हील करने में काफी हद तक हेल्प करती है। वो यहां पर मैं जो है 1 टीस्पून ऐड करूंगी। और उसके बाद फोर्थ इंग्रीडियंट आप कोई सा भी लिक्विड सोप यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड सोप आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी फेस वॉश भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी मैंने यहां पर 1 टीस्पून ही लिया है। ओके जी, तो फिफ्थ जो इंग्रीडियंट है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है मौजूद तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आपका मेकअप रिमूवर बन जाएगा। तो इसलिए आपने यहां पर कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज करना है। मैंने यहां पर रोज ऑयल यूज किया है, 2 से 3 ड्रॉप्स ही हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट इंग्रीडियंट जो है यार वो मेन इंग्रीडियंट है, आपकी ब्यूटी के लिहाज से, आपके बालों के लिहाज से, हर चीज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन यहां पर हम उसको एज ए मेकअप रिमूवर में यूज करेंगे। और ये जो होगा आलमंड ऑयल, आप यहां पर 1 टीस्पून आलमंड ऑयल किसी भी ब्रांड का कहीं से भी लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देगा, साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाने में हेल्प करेगा। सो ये जी आपने इन तमाम चीजों को मिक्स करने हैं। लीजिए जनाब आपका होम मेड जबरदस्त रिजल्ट और सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ मेकअप रिमूवर जो है वो तैयार हो चुका है। ओके जी, तो मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं की, इसलिए मैं अपने फेस से जो है मेकअप नहीं, इसलिए मैं यहां पर फाउंडेशन लूंगी। मैंने फाउंडेशन आपके सामने अप्लाई किया, आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। जी तो मेकअप रिमूव करने के लिए हमें जो है वो कॉटन का पैड आपको जरूरत होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज। आपने इसको जब भी यूज करना है इसको पहले से शेक कर लेना है ताकि तमाम जो इंग्रीडियंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं, और उसके बाद मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। यार ये इतना जबरदस्त वर्क करता है ना, आप यकीन माने फर्स्ट स्वाइप में ही आपका जो तमाम मेकअप भी रिमूव कर देगा और साथ साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी कर देगा, क्योंकि इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए ना वो आपकी स्किन के लिए नेचुरली बहुत बहुत जो है बेनिफिशियल है। सो मैं आपको सारा रिमूव करके दिखा देती हूँ और आप देख लें। मीन्स कि इसको अगर आप रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं ना, एज ए, मैं इसको कहती हूँ कि आप इसको एज ए फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जब हमें सुबह जो है फेस वॉश करना होता है उसको एज ए फेस वॉश भी आप यूज करें, ये बहुत जबरदस्त वर्क। ये देख लें, सारा जो मेकअप है ना वो आपका फर्स्ट वाइप में ही निकाल देगा, और उसके बाद आपको किसी मॉइस्चराइजर की भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जो आलमंड ऑयल हमने ऐड किया है वो आपकी स्किन की मॉइस्चराइज को ही तो लॉक करेगा, सबसे बड़ा मेन फायदा ही तो यही है। उसके बाद जी मैं आपको, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप इसको डेली जो है अपने बेसन में रख लें, मतलब कि जहां आप वॉशरूम में इसको साथ रख लें, जहां पर आपके और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उसको साथ रख लें। एज ए फेस वॉश इसको अगर आप यूज करेंगे ना, 2 से 3 टाइम यूज करने के बाद ही आप इसके यूज हो जाएंगे, और आपको जो है दूसरे किस्म के जो मार्केट से मिले हुए केमिकल वाले फेस वॉश है ना वो भी आपको नहीं अच्छे लगेंगे, कि आप कहेंगे कि बस मैं यही यूज कर लूं। आप इसको कॉटन पैड के अलावा वैसे भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश हाथ पे लेते हैं और उसको जो अपने फेस पे लगाते हैं हाथों की हेल्प से, वो भी आप कर सकते हैं, ये उस तरह से भी वर्क करेगा। और मेकअप रिमूवर के लिए तो यार ये बेस्ट ऑप्शन। तो जी हम जो है इतनी मेहनत कर करके चुन चुन के आप लोगों के लिए सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रेमेडीज तैयार करते हैं, तो काइंडली आप भी जो इन रेमेडीज को जरूर ट्राई किया करें और हमारे साथ इसके कॉमेंट्स बॉक्स में आकर रिजल्ट भी शेयर कीजिए कि यार आइदर की ये वर्क करता है या नहीं करता। तो होप्स हो कि आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और मेरे साथ जो है इसके रिजल्ट भी करेंगे। तो होप्स हो कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।